जानते हैं कि इंग्लिश में कम कद वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? क्या आप लोग जानते हैं कि इंग्लिश में गंजे को क्या बोला जाता है? और क्या आपको पता है कि इंग्लिश में भेंगे को, यानी जिसकी आंखें थोड़ी सी टेढ़ी होती है, उसको क्या बोला जाता है? अगर नहीं तो दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर यू, बिकॉज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू वर्ड्स एंड सेंटेंसेस विच आर रिलेटेड टू द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन. हेलो एवरीवन, आई एम अंजू एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो. फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, अट्रैक्टिवनेस. अट्रैक्टिवनेस ऑफ अ पर्सन, मतलब कोई पर्सन कितना अट्रैक्टिव लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है. तो फीमेल्स के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड्स यूज कर सकते हैं? द वर्ड्स कैन बी क्यूट. क्यूट मतलब प्यारा, जो बेबीश सा लगता है, ठीक है. जो जैसे बेबी के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? क्यूट. किसी लड़की के लिए भी क्यूट, किसी लड़के के लिए भी क्यूट वर्ड यूज कर सकते हैं. बट किसके लिए? जो किडिश सा, जिसका फेस है पिंकी सा, चबी सा, उसके लिए हम लोग क्यूट वर्ड यूज करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज प्रिटी. प्रिटी का मतलब है ओवरऑल अपीयरेंस, जो जिसकी अच्छी है, सुंदर है, उसके लिए अपन प्रिटी वर्ड यूज करते हैं. एंड ब्यूटिफुल. ब्यूटिफुल वर्ड इज स्पेशली यूज फॉर द गर्ल हूज फेस इज ब्यूटिफुल, हूज फेस कट इज नाइस, ब्यूटिफुल, उसके लिए हम लोग ब्यूटिफुल वर्ड यूज करते हैं. बॉयज के अट्रैक्टिवनेस के लिए हम लोग क्या क्या वर्ड यूज करते हैं? द वर्ड्स कैन बी हैंडसम. वही प्रिटी का जो फीमेल वर्जन है, मेल का वो हैंडसम है, ठीक है. जैसे ओवरऑल जो अच्छा लगता है, गुड लुकिंग है, उसके लिए हम लोग हैंडसम वर्ड यूज करते हैं. एक और वर्ड है हंक. इसके लिए यूज करते हैं जो गुड लुकिंग तो है ही है, साथ में मस्कुलर भी है, जिसकी बॉडी शॉडी थोड़ी अच्छी है, फिटनेस अच्छी है, उसके लिए अपन वर्ड यूज करते हैं. और एक सिंपल वर्ड है गुड लुकिंग, जो अपन गर्ल या बॉय दोनों के लिए यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट बात करते हैं बालों की, अबाउट हेयर. तो लेंथ ऑफ द हेयर की अगर अपन बात करें, तो अगर जिसके शोल्डर से ऊपर तक के हेयर है, उसके लिए अपन यूज करेंगे शॉर्ट हेयर. जैसे she is having short hair या she has got short hair. अगर shoulders तक या shoulders से थोड़ा सा नीचे तक के hair है, उसको बोलेंगे mid length hair या फिर medium length hair. जैसे she is having mid length hair, उसके medium length यानी shoulders तक के बाल हैं. और अगर उससे नीचे यानी आपके थोड़े लंबे बाल हैं, जैसे लाइक मेरे, तो ये कहलाएंगे long hair. long hair, जैसे I'm having long hair. अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, कहीं पे भी हैज नहीं बोलना है. हैज इज अ रॉन्ग वर्ड, हम लोगों ने काउंटेबल अनकाउंटेबल वाले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है. तो हेयर इज अ करेक्ट वर्ड, हेयर वर्ड यूज करेंगे. नेक्स्ट, अगर हेयर कलर की बात करें तो क्या क्या कलर्स के हेयर हो सकते हैं? नॉर्मली इंडियन और एशियंस के जो कलर होते हैं, होता है ब्लैक. तो आई एम हैविंग ब्लैक हेयर, शी हैज गॉट ब्लैक हेयर, ही इज हैविंग ब्लैक हेयर. ब्लैक से थोड़ा सा डल कलर हो, ब्राउनिश कलर हो, तो सिंपली अपन बोलेंगे ब्राउन हेयर. और बिल्कुल लाइट कलर के हेयर जो होते हैं, जैसे ज्यादातर अमेरिकन या वेस्टर्न कंट्रीज वालों के होते हैं, वो होते हैं ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड हेयर. अब नेक्स्ट है, जिसके सफेद बाल होते हैं, उसके लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है? नो नो, ये मत बोलना शी इज हैविंग व्हाइट हेयर, इट इज रॉन्ग. अपन क्या बोलेंगे? शी इज हैविंग ग्रे हेयर, ही इज हैविंग ग्रे हेयर. सफेद बाल के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड यूज होता है? ग्रे हेयर. अब नेक्स्ट बात करते हैं एज को डिस्क्राइब करने की. सपोज हम लोगों को कोई पूछता है कि हाउ ओल्ड इज ही या हाउ ओल्ड इज शी, एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट द एज ऑफ दैट पर्सन, तो हम लोग किस किस तरीके से एज को बता सकते हैं? हम बोल सकते हैं, अब हम लोग को एग्जैक्ट एज नहीं पता, बट ये पता है कि वो 20, 21, 22 साल का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ही इज इन हिज अर्ली 20s, ही इज इन हिज अर्ली 20s. अब हम लोगों को ये पता है कि वो 24, 25, 26 साल तक का है, तो उसको बोलेंगे ही इज इन हिज मिड 20s. और अगर हम लोगों को ये पता है कि वो लगभग 27, 28 या 29 साल तक का है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ही इज इन हिज लेट 20s. किसी की उम्र या एज बताने का एक और तरीका हो सकता है यंग या ओल्ड, जवान या बूढ़ा, ठीक है. जैसे ही इज यंग, शी इज ओल्ड, ही इज यंग, शी इज ओल्ड. और अगर हम लोगों को लगभग वाली एज कुछ बतानी है, तो हम लोग सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि शी इज अराउंड 20 years old, ही इज अराउंड 30 years old, या सिंपली हम बोल सकते हैं ही इज अराउंड 30 years old. बोलने की जरूरत नहीं है, ही इज अराउंड 30. अब पर्सन की हाइट के अकॉर्डिंग या बॉडी शेप के अकॉर्डिंग हम लोग को डिस्क्राइब करना है, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हाइट का देखते हैं. अगर कम हाइट है तो शॉर्ट हाइटेड पर्सन, शॉर्ट हाइटेड पर्सन, ही इज अ शॉर्ट हाइटेड पर्सन, या ही इज शॉर्ट, सिंपली हम बोल सकते हैं ही इज शॉर्ट. या फिर कोई नॉर्मल एवरेज हाइट का है, तो उसको बोलेंगे ही इज एवरेज हाइटेड पर्सन, या ही इज हैविंग एवरेज हाइट.
और कोई लंबा है तो उसको क्या बोलेंगे? ही इज बिग. नो, ही इज टॉल. ही इज टॉल. अब बॉडी शेप के अकॉर्डिंग क्या क्या वर्ड्स यूज हो सकते हैं? द वर्ड्स कैन बी, फर्स्ट वर्ड कैन बी स्किनी. स्किनी मतलब बहुत ही पतला, कमजोर, उसके लिए स्किनी वर्ड यूज करते हैं. ये थोड़ा नेगेटिव वर्ड है, हम लोग डायरेक्टली किसी को नहीं बोल सकते कि यू आर स्किनी, ही इज स्किनी. थोड़ा नेगेटिव सेंस में ये वर्ड यूज होता है. स्किनी से थोड़ा सा फिट, यानी जो फिट है, एकदम स्लिम ट्रिम बॉडी है, फैट नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? सिंपल वर्ड है स्लिम. ही इज स्लिम, शी इज स्लिम. अब कोई जिसके बहुत मसल्स हैं, जो बॉडी शॉडी बनाता है, उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? मस्कुलर. ही इज मस्कुलर. अब कोई पर्सन जो ना तो स्लिम है और ना ही मोटा है, जिसकी एवरेज वेट है, एवरेज उसका कदकाठी है, तो उसके लिए हम लोग सिंपली वर्ड क्या यूज करेंगे? एवरेज बिल्ड. ही इज हैविंग अ एवरेज बिल्ड, या ही इज अ एवरेज बिल्ड पर्सन. अब कोई थोड़ा सा मोटा है, उसको अपन बोल सकते हैं फैटी, ठीक है, या फिर अपन बोल सकते हैं हैवी, अ लिटिल हैवी, या फिर काफी मोटा है, उसके लिए वर्ड यूज हो सकता है ओबेस या फैट, ठीक है. तो बी केयरफुल फॉर यूजिंग दोज वर्ड्स, क्योंकि इट मे हर्ट अ पर्सन, ठीक है. हम लोग किसी के फिजिकल अपीयरेंस की बात अगर करते हैं तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. अब अगर फेशियल शेप की बात करते हैं तो फेशियल शेप्स या फेस का जो शेप है वो कैसा कैसा हो सकता है? इट कैन बी ओवल, अंडाकार. इट कैन बी राउंड, गोल फेस. इट कैन बी स्क्वेयर, यानी चौड़ा जो फेस होता है, जिसकी जॉ लाइन और माथा हैवी होता है, हो सकते हैं स्क्वेयर फेस. और एक और यूज हो सकता है हार्ट फेस शेप. हार्ट फेस शेप का मतलब माथा थोड़ा बड़ा और चिन बिल्कुल पतली, तो उसके लिए अपन हार्ट फेस शेप भी यूज कर सकते हैं. हाउ यू विल डिस्क्राइब द आईज ऑफ अ पर्सन? आप आईज को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, बाय द कलर ऑफ द आईज और बाय द शेप ऑफ द आईज. कलर्स की बात करें तो हो सकते हैं ब्लैक आईज, ब्लू आईज, ब्राउन आईज. तो सेंटेंस कैसे बनेगा? द कलर ऑफ हिज आईज आर ब्लैक. द कलर ऑफ हिज आईज आर ब्लू. इस तरीके से हम लोगों को कलर डिफाइन करना है. शेप्स कैसे बोल सकते हैं? छोटी आंखें हैं तो स्मॉल आईज, बड़ी आंखें हैं तो बिग राउंड आईज, लंबा कार या लंबाई में आंखें हैं तो ओवल आईज, और अगर कोई चश्मा पहनता है तो उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि वेयर्स ग्लासेस, जैसे ही वेयर्स ग्लासेस. नाक की बात करें तो लंबी नाक के लिए बोलेंगे लॉन्ग नोज, छोटी नाक के लिए स्मॉल नोज, और उठी हुई नाक के लिए उसको बोलेंगे टर्नड अप नोज. तो देख लेते हैं कुछ बहुत ही सिंपल बट वेरी इफेक्टिव वर्ड्स माउथ के शेप के लिए. मुंह के शेप के लिए बड़ा मुंह है तो लार्ज माउथ, छोटा मुंह है तो स्मॉल माउथ. लिप्स के लिए अगर मोटे लिप्स हैं तो फुल लिप्स, पतले लिप्स हैं तो थिन लिप्स, और शेप्ड है जैसे कर्व शेप है तो सिंपली हम बोल सकते हैं कर्व लिप्स. ईयर्स बड़े हैं तो लार्ज ईयर्स, और छोटे हैं तो स्मॉल ईयर्स. वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपसे 3 सवाल पूछे थे, तो चलिए मैं उसका भी जवाब बता देती हूँ. कम कद वाले के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ शॉर्ट पर्सन या शॉर्ट हाइटेड पर्सन. गंजे को बोला जाता है बॉल्ड, बॉल्ड, और भेंगे को बोला जाता है स्क्विंट, स्क्विंट आईज. वीडियो आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा. वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज मैं आप लोगों के लिए लाने वाली हूँ इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस, और आप लोगों को इंग्लिश सिखाती रहूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.